जग्गी सिटी सेंटर पहुंच गए दोस्तों अंबाला। ये देखो अंबाला धनुष, ये देखो हरियाणा अंबाला आपका स्वागत करता है। ये देखो जग्गी सिटी सेंटर और साथ में भारत पेट्रोलियम पंप। तो जा रहे हैं दोस्तों इस बारी हम नेपाल ट्रिप के लिए हुमला। तो अभी अंबाला पार कर लिया दोस्तों हमने, आगे अंबाला कैंट आने वाला है। तो इस बारी जाएंगे हम एक्सप्रेस होके दिल्ली, ओके, वहाँ से सीधा निकलेंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद से सीधा निकल जाएंगे मुरादाबाद के लिए दोस्तों। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू और पहुंच गए हम पानीपत। और ये इस हाईवे का दोस्तों सबसे लंबा ब्रिज है, ये सबसे लंबा ब्रिज है पूरे पानीपत में, दिल्ली हाईवे का सबसे लंबा ब्रिज है ना। और सारा पानीपत इस ब्रिज के नीचे ही है दोस्तों, शुरू हो गया ओवर ब्रिज, सारा पानीपत बाजार बुजुर्ग सब इस ब्रिज के नीचे है दोस्तों। काफी लंबा ब्रिज, नहीं तो पानीपत का दोस्तों खतरनाक जाम रहता है जब सिंगल रोड होता था, अब तो हाईवे बन गए, सब शहर से और सब ब्रिज के नीचे रह जाते दोस्तों। और ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग पानीपत सिटी, ये तो ब्रिज भी अच्छा खड़ खड़ नहीं करता है ना, शुरू हो गया ब्रिज, अब चढ़ के ब्रिज है। नमस्ते ढाबा, ये आ गए दोस्तों पानीपत वाला ब्रिज। तो चले हुए हैं इस बार हम नेपाल की ट्रिप में दोस्तों, इस बार दिखाएंगे आपको नेपाल पहाड़ी इलाका, सेकंड ले लद्दाख। और ये देख सकते हो काफी लंबा ब्रिज है दोस्तों, दूर दूर तक देखो ब्रिज ही है दोस्तों, खत्म होने का नाम नहीं लेता है दोस्तों। ये दिल्ली हाईवे में सबसे लंबा ब्रिज है पानीपत में, पूरा शहर ब्रिज के नीचे रह जाता है दोस्तों। कंबल बहुत सस्ते पाए जाते हैं पानीपत में, कंबल दोस्तों यहाँ पर बहुत सस्ते पाए जाते हैं पानीपत में, बेडशीट भी है ना, हर एक चीज, मतलब कंबल तो, मतलब कंबल की तो मार्केट ही है। ये देख सकते हो दोस्तों लुधियाना और पानीपत, ये देख सकते हो दोस्तों पानीपत मार्केट। ये 4-5 किलोमीटर का ब्रिज मेरे को लगता है, ज़्यादा है ना, तो 8-9 किलोमीटर के करीब है दोस्तों ये ब्रिज। एक बात है, हाईवे बनने से हो तो शांति गई है ना, नहीं जाम है, चढ़ी पड़ी है। और पहले गड्डियाँ भी कम होती तब भी नहीं जाम खुलता था, नहीं समय बाद जा रहे हैं दोस्तों हम कार पर लॉन्ग ड्राइव पर, वो भी सीधा इंटरनेशनल है स्टेट है नेपाल, कंट्री दूसरी कंट्री में जा रहे हैं कार लेकर, विदेश जा रहे हैं दोस्तों हम लोग दिल्ली टायर। ये हमारे आगे आंध्र प्रदेश वाले अन्ना जी, अन्ना जी किधर को जानना जी है, होटल गोल्ड। और बस देखो दोस्तों कितनी प्यारी बस जा रही है, रेड कलर की, देखो डबल स्टोरी बस, देखो स्लीपर कोच, टैंक फुल करा के चल पड़ी है। नहीं नहीं ब्रिज ही है सारा, ये हाईवे है, ये एक नंबर हाईवे है ये। अच्छा आप वही गिन रहे थे खटखट, हाँ तो फिर पता लगेगा ना, मेजरमेंट करूंगी बैठ के बाद में कितने दे दी। अल्लाह चलो और अभी और आ जाने, मतलब खत्म नहीं मार दी है इसके नीचे चला। हाँ तो आप नेपाल तक यही गिनते जाना था भी, जब कहाँ पे कितने ब्रिज आए, कितने खटखट आए। नहीं नहीं आपने ऐसा बोला ना,
लेंथ गिनती करेंगे आप। तो दोस्तों हमारे भाभी जी इस ब्रिज की लेंथ गिन रहे हैं, कितने लेंथ है। तो जैसे मतलब आवाज आती है ना फड़क की ज्वाइंट की, तो वो गिन रहे थे, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तो सब गिनती करेंगे, देखते हैं कितने आते हैं, बाद में बताएंगे आपको। कहीं नहीं है अभी, कहीं नहीं है, ये PV02 वाले चले दोस्तों। 5 मिनट की तो वीडियो ही होगी, तो कितना लंबा हो गया ये। और चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और पहुंच गए हम मुरथल टोल प्लाजा में, और रात के बज गए हैं दोस्तों 1। डिनर अभी हमने करा नहीं है, चले हुए हैं, देखेंगे अब यहाँ पर कोई ढाबा, बाकी होटल भी सारे दूसरी साइड को ही है, राइट साइड में। और ये चलो हमारा SP93 नंबर नालागढ़ का 4-व्हीलर। ये भी था ढाबा इधर, चाचा गौरी शंकर ढाबा। गाड़ियाँ देखो कितनी सारी लगी हुई, काफ़ी टाइम बाद आ गए हम इधर, काफ़ी टाइम बाद आए दोस्तों, तो इधर का तो नक्शा ही बदल चुका है। और टोल में लगा हुआ दोस्तों जाम थोड़ा सा, ये क्या चक्कर हो गया ही? ओ जाना तो लास्ट टाइम पहली लाइन खड़ी होगी, जाम लगा हुआ दोस्तों मुरथल टोल प्लाजा पर, बड़े तगड़े वाला। नहीं नहीं ये चले PV12 87 86 बलाचौर यूनियन, ये PV11 इधर साइकिल सामान लेके चलाओ भाई। हाँ कैपेसिटी सारे गाड़ी वाले परेशान हो गए, हॉर्न पर हॉर्न बजा रहे तो अपना ये इसमें लगाना पड़ता है यहाँ पे। यही तो है। तो दोस्तों अपना टोल प्लाजा हो गया बाहर, अब देखेंगे ढाबा मित्रा का ढाबा, यहीं से चले पार्क को, नहीं तो हैं यहीं से पार्क को चलते सर्विस रोड। नहीं नहीं सर्विस रोड है, पर वो इधर किधर को आ गए, अच्छी भी ट्रक वाले बल पा बोले नहीं वहां से जाना था, पर वो सीधा सर्विस रोड नहीं, रॉन्ग तो जाना है, सर्विस रोड है। अच्छा ये भी पंगा है ना, देख सकते हो दोस्तों कितने सारे ट्रक की ट्रक हो गए, देखो इधर कोई देख लेंगे कोई ढाबा। नहीं CRL HR 65 12 डेरी हवेली सेठ साहब खर्चा दे दो, आज ही सड़ी हवेली च है ये मन्नत हवेली, इतने मिलना सानू खर्चा, ये देखो साड़ी हवेली। दोस्तों ये पहुंच गए हम मुरथल, तो रात के बज गए 1, तो अभी पहुंचे हम महारानी वैष्णो ढाबा में मुरथल में, तो यहाँ पर करेंगे मेरे पास डिनर और फिर चल पड़ेंगे। चलो आपको दिखाता हूँ, ये आ गया दोस्तों ढाबा महारानी लक्ष्मी ढाबा, अब जा रहे हैं अंदर रूम में। ये आ गया दोस्तों हमारा मीनू, क्या मंगा रहे फिर? मैं तो साथ में, हम दोनों का तो एक ही हो जाएगा, हम दोनों का तो एक ही हो जाएगा साथ। और क्या साग है? सरसों, सरसों का साग लेंगे, पालक लेंगे, एक तो सरसों का। ये है दोस्तों होटल, स्टारे लगे हुए तो ऊपर, ये आ गया दोस्तों हमारा सलाद पानी। तो ये आ गया दोस्तों अपना डिनर रात के 1 बजे, ये आ गया अपना पालक साग, सरसों का साग, सेव भाजी, दाल, ये सेव भाजी, ये देखो दोस्तों कितने सारे ढाबे मुरथल में, देखो ढाबे ही ढाबे। तो अपना था ये महारानी संगम ढाबा, तो दोस्तों बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं यहाँ पे, बढ़िया लेटरिन बाथरूम सब है इधर, टेंशन की कोई बात नहीं है। दो बाकी पार्किंग भी काफ़ी खुली डुली है, जैसे मर्जी लगाओ आप गाड़ी, ये अपनी इधर कार खड़ी है इधर, बाकी बाथरूम वगैरह भी सब है इधर, एकदम साफ सुथरा ढाबा है दोस्तों, बढ़िया मुरथल में। ये देखो लेडीज टॉयलेट अलग है, जेंट्स का अलग है दोस्तों, ये देखो ट्रक भी रोक सकते हैं कार भी,
भाई साहब खाना कैसा लगा फिर? बढ़िया खाना है। तो दोस्तों चल पड़े हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके और तो बार को मंदिर। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। तो रात के पूरे 2 बज गए दोस्तों, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके अब चल पड़े। और ये आ गया मुरथल वाला ओवरफ्लाई जगदम्बा विष्णु ढाबा। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं राई अलीगढ़ जयपुर दिल्ली सितई। तो ये आ गया दोस्तों राई वाला फ्लाईओवर। तो इसको फ्लाईओवर को पार करके हम एंटर हो जाएंगे केएमपी में। तो वहां से सीधा गाजियाबाद, गाजियाबाद से सीधा मुरादाबाद, हापुड़, मंसूरी। ये एंटर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ से हम केएमपी के लिए अलीगढ़। हाँ जी हाँ जी, अलीगढ़ जाना हमने, अलीगढ़ नहीं जाना हमने, अलीगढ़ साइड नहीं नहीं, अलीगढ़ को जाना तो उसी रोड में हमने, पर हम वहाँ से मुरादाबाद को निकल जाएंगे, अलीगढ़ दूसरा। हाँ मुरादाबाद तो आना ही आना, अलीगढ़ नहीं आया था, अलीगढ़ बहुत साइड में है। हाँ वो तो आते रहना फिर आपको अलीगढ़ को। हाँ पापा बोलिए ना कि अलीगढ़ जाना, अलीगढ़ चलेंगे। नहीं नहीं, लो जी दोस्तों हम केएमपी में हम एंटर हो गए हैं। 8 लाइन हाईवे दोस्तों ये, पर है इसके बुरे हाल है रोड के, जैसा एक्सप्रेस होता ना वैसा नहीं है। इसमें खट्टे ब्रेक कर जंप ऐसे है, रैंप बहुत है, बैठ गया हुआ काफी रोड है, मतलब एक्सप्रेस की तरह है नहीं है। ये लिखा हुआ ईस्टर्न है ना, ईस्टर्न पेरी पेरिपेरल एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। 1, 2, 3, 4 लाइन है दोस्तों, एक साइड तो एक साइड 4, 8 लाइन, 8 लाइन रोड बोलेंगे इसको ना। वो देखो लास्ट में ना 3 लाइन है, 6 लाइन है, सही बात है। कार की स्पीड है 120 की नॉर्मल, तो देखते हैं 80 की स्पीड में होगी, हम 100 टच होने वाली है दोस्तों। पर एंटर में रैंप बहुत है इसमें यार, 100 में एंटर हो गए हैं दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों 100 की स्पीड में जा रहे हैं हम, 110 हो गए एंटर। भाभी जी पीछे डर के भाई, रहने दो रैंप बहुत तगड़े रहे, 120 हो गए दोस्तों, 120 की स्पीड होगी। भाभी जी फिर आप बोलते हैं हमने सबसे तेज भागने वाली गड्डी लेनी मैंने, है भाभी जी फिर तो आप यूँ बोलते बोलो जो तब जरूरी वो गाड़ी लेनी फिर आप तो ही ना लेने, क्यों? फिर बोलते जी वो कौन सी फॉर्च्यूनर लेनी है बोलो। फॉर्च्यूनर तो इस टाइम 200 पहुंच जानी थी, 160 180। ये देखो दोस्तों टेलर चले राजस्थान वाले, बताना नहीं था हमने कि 120 चल गए, फिर बाबू जी को पता नहीं लगना था। मीटर देख रहे आप, मीटर तो टूट भी जाते भाभी जी, फिर उल्टा घूमने लग जाते। पहले ट्रक के बहुत टूटते थे मीटर है ना। टोल प्लाजा 2 किलोमीटर आगे है, देखना कहीं अभी स्पीड दिखाएंगे आपको, उतने में चलना पड़ता है इसमें, 60 से 80 है ट्रक का। 16 लाख है नहीं ना, इसमें रैंप है वही है ना, रैंप बहुत इसमें। तब तो आपको भाभी जी पता नहीं लगना था, नहीं शीशे बंद है तो ये शीशे खुले हो ना फिर तो कामने लग जानी थी ना, फिर तो कामने लग जानी थी, थर 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 करके। और दोस्तों ये आगे दोस्तों टोल प्लाजा, इसमें लाइटें होती है ना दोस्तों लगी हुई, तो क्या प्यारा लगना था ये, पर इसमें कंजूसी करी हुई टोल वाला, लाइट ही नहीं लगाई हुई, लगता ही नहीं है टोल प्लाजा बोल के है ना, नहीं तो बढ़िया जचना था वक्की, ये बोलना पड़ेगा भाई लाइट लगाओ इसमें, दिन में तो बढ़िया लगता है। जहाँ पे उतरेंगे तो दोस्तों टोल अपना हो गया है पार, एंट्री हो गया हमारी, एंट्री हो गया यहाँ, उतने का लगेगा टोल, किलोमीटर के हिसाब से ये देख सकते हो दोस्तों कितने सारे ट्रक लगे हुए यहाँ पर, इसमें चोरी भी हद से ज्यादा है इस रोड में, इसमें और अंदर
अंदर बैठे को नहीं लगता पता कि डीजल कब निकाल दिया। ये तो यहीं पे इस एरिया में तभी रुके हुए, जो कहीं गलती से मैं ट्रक खराब हो गया ना रास्ते में, बस लूट लिया फिर समझो तो। किले होते इसमें ब्रेक गेयर डाली हुई, तो टायर पंचर हो जाए बैठ जाए इसमें, तो रात को अकेला चलता ही नहीं कोई। हम लोग तो पीछे सो जाते, जहाँ रूठी नहीं गई भाभी जी मोथल में वहीं सो जाना, वहाँ से चलना सवेरे 6 बजे। तो हमारे को तो कार है, ट्रक की बात कर रहे हैं हम, ट्रक में चलना हाँ आराम से, कार में जाना आपको स्पीड। कार वाले को अगला हाथ नहीं ना मारता, सो तक लोकल ही ना हो कोई। ये देख सकते हो दोस्तों ट्रक वालों के हाल, पूरी लाइनें चली हुई, कंपटीशन खोल ले इनका आराम से आराम से। ये है कोई किसी से कम नहीं है दोस्तों एक्सप्रेस में। तो दोस्तों यहाँ पर अपना केएमपी का सफर होता है एंड समाप्त। तो यहाँ से निकल जाएंगे हम मंसूरी बुलंदशहर मुरादाबाद के लिए। देखो मुरादाबाद का बोर्ड लगा हुआ है, 150 मीटर बाद यहाँ से छोड़ देंगे दोस्तों हम केएमपी को, और फिर उसके बाद एंटर हो जाएंगे हम मुरादाबाद हापुड़ हाईवे में। अब यहाँ पे उतरते ही टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे आना मुरादाबाद का, गाजियाबाद हाँ जी। तो ये आ गया दोस्तों केएमपी का टोल प्लाजा। तो हमारा दोस्तों ये फास्टैग बहुत तंग कर रहा हमें, तो काफी तंग कर रहा है दोस्तों हमें ये फास्टैग। एक कार वाला तो ऐसे ही भाग गया यार। चलो जी दोस्तों अंदर से स्कैन करना पड़ रहा है हमें। ये उल्टा लगा है, मेरे को नहीं नहीं उल्टा नहीं है ये, तो क्यों नहीं करता स्कैन आजकल, वो है ना ओस ओस जम जाती है। कहाँ पे सोनीपत तो पीछे रहेगा जहाँ रोटी खाई, सोनीपत ही जाएगा, सोनीपत को बोर्ड लग जाएगा ना उधर। तो ये आ गए दोस्तों हम मुरादाबाद हाईवे पर, ऐसे बोलो ना एग्जैक्ट क्या है, गाजियाबाद गाजियाबाद मंसूरी मंसूरी बोल दो, मंसूरी गाजियाबाद ढोलाना। यहाँ से रह गया अमरोहा 105, काशीपुर 192, लखनऊ 478 किलोमीटर दोस्तों। हमारी ट्यूबलेस है गाड़ी? नहीं नहीं टायर साथी ट्यूब वाले। तो दोस्तों सुबह के हो गए हैं 6:30 और हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद। तो मुरादाबाद पार करके टोल टैक्स के साथ यहाँ पे एक ढाबा और साथ में एचपी का पंप, तो यहाँ पे रुके हुए क्योंकि यार अपना फास्टैग ही बहुत तंग कर रहा है यार, बहुत परेशानी आ रही है फास्टैग के कारण। तो अभी दोबारा रिचार्ज करें, रिचार्ज हो नहीं रहा यार HDFC बैंक का फास्टैग है, देखते हैं क्या सिस्टम है। तो आज का ब्लॉग करते हैं दोस्तों यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।